सुटेक फैमिली, आज हम बात करेंगे टॉप बेस्ट लैपटॉप की, जो कि आप 50,000 के प्राइस रेंज में ये लैपटॉप बाय कर सकते हो। एंड मैं आपको बता दूं, ज़्यादा लैपटॉप बताकर कंफ्यूज नहीं करने वाला, टॉप 3 लैपटॉप बताने वाला हूँ जो कि हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे होने वाले हैं। अभी बात करते हैं नंबर 3 की। सो नंबर 3 की बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले रिपीट करना चाहता हूँ, अगर आपको एनिमेशन करनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, उसके साथ अगर आपको 1080p वीडियो एडिटिंग करनी है एज अ स्टूडेंट, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, बिजनेस वगैरह के लिए अगर आपको लैपटॉप चाहिए, हर एक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ये लैपटॉप अच्छे होने वाले हैं। मैं साथ में बताता रहूँगा कि कौन सा लैपटॉप किस कैटेगरी के लिए बेस्ट होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहना। अभी बात करते हैं नंबर 3 की। सो नंबर 3 की बात करूं, नंबर 3 पे यार मैंने रखा है HP की ओर से लैपटॉप। मैं बात करूं HP 14S की, तो सबसे पहले इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं, ये 50,000 से बहुत कम प्राइस रेंज में मिलता है आपको, 45,900 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज Amazon पे फिक्स नहीं होता। अगर मैं बात करूं मेन स्पेसिफिकेशन की, आपको 14 इंच के साथ फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 250 Hz ब्रैटिंग के साथ, Ryzen 5 इसमें प्रोसेसर मिलेगा, 5500U के साथ प्रोसेसर है जो कि 6 कोर का प्रोसेसर है, पावरफुल प्रोसेसर, अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है हैंडल कर लेगा, दिक्कत नहीं आएगी। 8GB रैम है, 16GB रैम अपग्रेड कर सकते हो, 512GB आपको SSD मिलेगी, इंटेल अल्ट्रा GPU देखने को मिलेगा, ओपन सिस्टम विंडो 11/2021 आपको MS ऑफिस भी मिल जाएगा, पोर्ट्स की दिक्कत नहीं आएगी, एंड Wi-Fi 6 की सपोर्ट मिल जाती है, 720p वेब कैमरा, बैकलीट कीबोर्ड के साथ मिलेगा HP 14S। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको HP 14S के बता दिए, तो अगर आपको इस लैपटॉप की ओर जाना है तो भाई आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो, बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आप इस लैपटॉप को चेक जरूर करना। एंड ये लैपटॉप स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, एनिमेशन हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, कोडिंग प्रोग्रामिंग कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। अगर थोड़ी सी दिक्कत आती है ना तो भाई रैम को अपग्रेड कर लेना, वो भी दिक्कत जो है वो दूर चली जाएगी, एंड SSD है, सॉफ्टवेयर वगैरह इजी चलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब कहने का ठीक है। आगे बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 पे यार मैंने रखा है लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, इसका जो प्राइस रेंज है ना, आपको 50,000 से लेकर 52,000 के प्राइस रेंज में अमेजोन पे अवेलेबल देखने को मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन अच्छे होने वाले हैं। मैं आपको ये भी बात बोल दूं, अगर आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, 1080p वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप कर सकते हो, 4K ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन रैम को अपग्रेड कर लेना एंड आपको प्रॉक्सी बनाकर करनी पड़ेगी, ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। उसके साथ साथ अगर आपको कोडिंग करनी है कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। माया जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ब्लेंडर यूज़ करना है, फोटोशॉप यूज़ करना है, कॉरल ड्रॉ यूज़ करना है, तो भाई आप यूज़ कर सकते हो। 15.6 इंच के साथ आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, i5 12th जनरेशन प्रोसेसर है, 8GB रैम है, 16GB रैम अपग्रेड कर सकते हो, 512GB आपको SSD मिलेगी, इंटेल अल्ट्रा GPU देखने को मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 मिल जाता है, MS ऑफिस 2021 मिलेगा, 6 आवर्स का बैटरी बैकअप, ऑल पोर्ट्स मिल जाएंगे, Wi-Fi 6 की सपोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाते हैं, तो कनेक्टिविटी अच्छी होने वाली है, स्लिमर स्टाइलिश डिजाइन है, 720p वेब कैमरा, एंड ये लैपटॉप भी बैकलाइट कीबोर्ड के साथ देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3 के भी बता दिए। मैं आपको फिर से रिपीट करने वाला हूँ, अगर आपको ये लैपटॉप बाय करना है भी आप लैपटॉप बाय कर लेना। मैं स्पेसिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरे को ये है कि अगर आपको स्पेसिफिकेशन पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड ये लैपटॉप हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार होने वाला है, एंड इसका लुक, डिज़ाइन, कलर बहुत ही अच्छे आते हैं। लिनोवो एक ट्रस्टेड ब्रांड है, बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया, अगर आपने चेक आउट करना है इस लैपटॉप को आप चेकआउट कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की बात करूं, नंबर 1 पे यार मैंने रखा है एसर की ओर से लैपटॉप। मतलब ये लैपटॉप बहुत ही शानदार है यार। मैं बात करूं एसर स्पायर 5 की, अगर इस लैपटॉप के प्राइस रेंज की बात करूं, अपने प्राइस रेंज से ऊपर चले जाता है। अगर मैं बजट रेंज की बात करूं, आपको 55,000 के प्राइस रेंज में ये लैपटॉप देखने को मिलेगा, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पर रखा है। अगर आप 50,000 से अपर जा सकते हो तो मेरी ओर से रिकमेंड आपको यही है कि आप एक बार इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन देख लो, एंड अगर आप बाय कर सकते हो तो बाय इसी लैपटॉप को करना। 15.6 इंच के साथ फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, i7 12th जनरेशन प्रोसेसर है, 12 कोर का प्रोसेसर मिल जाता है भाई, 4K वीडियो एडिटिंग भी करवा देगा बिकॉज 8GB रैम है, 32GB रैम कर सकते हो, 512GB SSD, RTX 2050 4GB ग्राफिक कार्ड मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11, 720p वेब कैमरा देखने को मिल जाता है, 5.2 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलेगा, ऑल पोर्ट्स मिलेंगे, Wi-Fi 6 की सपोर्ट मिल जाती है, कनेक्टिविटी भी अच्छी है,
पोर्ट्स वगैरह भी सारे मिल जाते हैं एंड इसका लुक डिज़ाइन कलर सच में बहुत ही ज़्यादा अपर देखने को मिल जाता है एसर की ओर से। तो मैंने आपको बता दिया अगर आप 50,000 से अपर जा सकते हो तो मेरी ओर से रिकमेंड आपको यही है कि आप एसर स्पायर 5 की ओर जाओ, लेकिन अगर आपका बेट 50,000 है तो लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3 की ओर जा सकते हो। अगर आपका बेट 50,000 से भी कम है तो भाई HP 14S, हर एक बजट रेंज के अकॉर्डिंग मैंने आपको लैपटॉप बता दिए, कैटेगरीज भी मैंने आपको बता दिए। तो ये थे वीडियोस, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करने वाला बिकॉज ये तीन लैपटॉप हैं जो कि 50,000 के प्राइस रेंज में पैसा वसूल है, इनके ऊपर कुछ भी नहीं है यार, सीधी सी बात है। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, थैंक यू।